वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में टेलर सीरीज एंड मैकलॉरिन सीरीज ये टॉपिक का 10th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है एक्सपांड लॉग ऑफ कॉस एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म एक्स टू द पावर 4 एंड कैलकुलेट लॉग टू द बेस 10 कॉस पाई बाय 12 अप टू 3 प्लेसेस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अभी तक देखो ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में आ चुका है, ऐसे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें, और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कौन से थ्योरम का यूज करेंगे, यानी कौन सी सीरीज, टेलर सीरीज या मैकलॉरिन सीरीज? तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय मैकलॉरिन सीरीज। तो ऐसे में आपको मैकलॉरिन सीरीज पता होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड फार्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो मैकलॉरिन सीरीज का स्टैंडर्ड फार्मूला आपको हम ये बता रहे हैं। आपके पास ये अगर सीरीज नहीं लिखी है, ये फार्मूला नहीं लिखा है, तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है अगर आपको मैकलॉरिन सीरीज से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखो क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये जो पूरी सीरीज है ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है। आप चाहे तो यहाँ इसको वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको y के फॉर्म में लिखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे f है वहां वहां पे आपको y पुट करना पड़ेगा। मतलब ये f ऑफ x की जगह ये हो जाएगा y, ओनली ओनली y, y ऑफ x नहीं, y, क्योंकि क्योंकि y यानी ही f ऑफ x होता है। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखो, y ही f ऑफ x है। तो जहां जहां पे f ऑफ x है ना, जहां पे f है f की जगह आप y लिख सकते हैं, तो ये f ऑफ x की जगह y हो जाएगा, फिर ये y ऑफ 0 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, प्लस f यहां पे x, देन y डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू वाई डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू वाई ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस सो ऑन। देखो ये ऐसी सीरीज बनेंगी, आप चाहे तो ये फॉर्म में लिखो या ये फॉर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये सीरीज के थ्रू अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसमें पर्टिकुलर फंक्शन को आपको बार बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यानी रिपीटेटिव डिफरेंशिएशन, उसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जैसे एफ ऑफ एक्स दिया है तो एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो एक मिनट, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करो तो आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है ना, फिर एफ डैश ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करो तो आएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करो तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, और डिफरेंशिएट करो, कितने बार डिफरेंशिएट करना है ये चॉइस आपकी है। जितना लंबा सीरीज आपको एक्सटेंड करना है आप उसके अकॉर्डिंग आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएट होने के बाद फिर ये एफ ऑफ एक्स में जब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ 0, वो आपको यहां पुट करना है। फिर ये एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा एफ डैश ऑफ 0, वो आपको यहां पुट करना है। फिर ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू 0 पुट करना है तो आपको एफ डबल डैश ऑफ 0 मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पुट करना है, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे एक्स की जगह तो जो आएगा वो वैल्यू यहाँ पुट करना है। इस तरह से आपको चलना होता है और सीरीज तैयार करना होता है। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में हमने बताया, वाई वाई में भी बिल्कुल वही है। ठीक है ना, जैसे वाई अगर है तो वाई को डिफरेंशिएट करो तो आएगा वाई डैश, फिर वाई डैश को डिफरेंशिएट करो तो वाई डबल डैश, फिर वाई डबल डैश को डिफरेंशिएट करो तो वाई ट्रिपल डैश, इस तरह से सो ऑन। ठीक है ना, और फिर उसमें जहां जहां पे x है वहां पे जब आप 0 पुट कर लेंगे तो y ऑफ 0 मिलेगा, फिर y डैश ऑफ 0 मिलेगा, फिर y डबल डैश ऑफ 0 मिलेगा, फिर y ट्रिपल डैश ऑफ 0 मिलेगा, सबको यहां पुट करना, सीरीज बन जाएंगी। ठीक है, इसके पहले भी हमने मैकलॉरिन सीरीज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, वहां पे भी हमने यही टेक्निक का यूज किए थे। ठीक है, चलो अब ये प्रॉब्लम आज का हम सॉल्व करेंगे। देखो ये प्रॉब्लम आपके सामने है, तो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम यहां पे कंसीडर कर लेंगे लेट y यानी ही log of cos x, ठीक है ना, जो दिया हुआ है log of cos x, इसको हम as a y लेंगे। आप इसको as a f of x लेंगे तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने लिखे f of x is equal to log of cos x वो भी चलता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके थ्रू भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये है y is equal to that is log of cos x। ठीक है, अब क्या करो, यहां पे x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, ये इसमें अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y ऑफ 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, वो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले चलो एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं साथ में, ठीक है ना, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाए। चलो यहाँ पे y ऑफ 0 पुट करते हैं, अगर हम y ऑफ 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, जहां पे x है, जहां पे x है बस आपको x की जगह 0 पुट करना है। देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट करो, तो ये हो जाएगा log ऑफ cos 0।
है ना, और cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो हम यहां लिख लेंगे log ऑफ cos 0 यानी 1, तो यहां लिख लो 1, log ऑफ 1 क्या होता है, log ऑफ 1 0, तो फाइनली हमें 0 मिल गया, क्या मिल गया, y ऑफ 0 की वैल्यू 0 मिल गई, y ऑफ 0 जो हमें चाहिए था वो हमें यहां पे 0 मिल चुका है, ठीक है, इस तरह से ये हो गया, y का यूज करके हमने y ऑफ 0 निकाले। अब चलो y डैश निकालते हैं, y डैश अगर हमें y डैश निकालना है तो हमें y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देखो ये जो y है ना इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या आएगा, y डैश आएगा, तो चलो हम यहां पे इसको प्रॉपरली लिखते हैं y डैश, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो log ऑफ cos x क्या होगा, डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, सो log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 by cos x, तो हम यहां लिख लेंगे 1 by cos x, ये देखिए log ऑफ cos x का हो गया 1 by cos x, लेकिन हमने cos को डिफरेंशिएट किया क्या, नहीं, अभी तो सिर्फ log का डिफरेंशिएशन हुआ, cos को अलग से डिफरेंशिएट करो, तो चलो cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ sin x, ये देखिए इसको अगर आप प्रॉपरली सेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहां पे माइनस ऑफ sin x बाय cos x, ठीक है। अब आपको पता है sin बाय cos यानी क्या होता है, sin बाय cos यानी tan होता है, तो इसके जगह हम लिख लेंगे tan x, तो हम यहां लिख लेंगे therefore y dash is equal to माइनस ऑफ tan x, तो ये हमें y dash मिल चुका है, ठीक है। सबसे पहले ये y ऑफ y दिया था, y को हमने डिफरेंशिएट किए तो y डैश ऑफ x मिल गया। अब यहां पे y डैश ऑफ 0 निकालो, जिस तरह से y दिया था तो y ऑफ 0 निकाले, उसी तरह से y डैश मिल गया है तो y डैश ऑफ 0 भी निकाल लो, तो अगर आपको y डैश ऑफ 0 निकालना है, चलो यहां निकाल रहे, ठीक है ना, देखो डैश में एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि 0 वाले पार्ट हम इधर सॉल्व कर रहे हैं इनडायरेक्टली ऐसा है, ठीक है। तो चलो y डैश ऑफ 0, तो y डैश ऑफ 0 में आपको क्या करना है, यहां पे ये जो y डैश है ना उसमें x के जगह 0 पुट करो, ये x है ना यहां पे 0 पुट करो, तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस tan ऑफ 0 ऐसा, और tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है, तो जाहिर सी बात है ये 0, तो हमें मिल गया क्या, मिल गया y डैश ऑफ 0 व्हाट दैट इज 0। इस तरह से ये फिलहाल y डैश ऑफ 0 तक हम पहुंच गए। अब हमें ये कितने बार करना है डिफरेंशिएट, तो हम यहां पे 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों 4 बार ही क्यों, 3 बार क्यों नहीं या 5 बार क्यों नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, जनरली क्वेश्चन में कभी देखो क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम में कि आपको कितना एक्सटेंड करना है, कभी-कभी क्वेश्चन में दिया होता है, अगर नहीं दिया होता है तो आप उसको कितना भी लंबा एक्सटेंड करो सीरीज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। यहां दिया है क्या लिखा है, एक्सपांड द लॉग ऑफ cos x इन असेंडिंग पावर ऑफ x अप टू, देखो यहां क्या लिखा है, अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म x टू द पावर 4, देखो अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म x टू द पावर 4 लिखा है, मतलब आपको x टू द पावर 4 का टर्म आना चाहिए जब आप सीरीज तैयार करोगे ना, देखो कौन सी सीरीज, ये देखो ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज यहां पे देखो, यहां x नहीं है, देखो यहां पे x है, यहां x स्क्वायर है, यहां पे x क्यूब है, अब x क्यूब के बाद आएगा x टू द पावर 4, तो वहां तक आना चाहिए x टू द पावर 4, अगर x टू द पावर 4 का टर्म चाहिए तो डिफरेंशिएट भी आपको 4 बार करना पड़ेगा, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ 0 मिला, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश मिलेगा, फिर f ट्रिपल डैश मिलेगा, फिर f 4 टाइम डैश मिलेगा, ऐसा है ना, इस तरह से, यानी ही y1 y2 y3 y4 ऐसा, या फिर बोलो y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश ऐसा बोलेंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हमने कहा था ना y डैश y डबल डैश, इसको आप y1 y2 y3 y4 ऐसा कहेंगे तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल ये हमने यहां पे y डैश निकाल लिए, ठीक है, और y डैश ऑफ 0 भी निकाल लिए। अब चलो y डबल डैश निकालते हैं, तो y डबल डैश निकालने के लिए y डैश को डिफरेंशिएट करो, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, आप यानी ही रिपीटेटिव डिफरेंशिएशन, तो चलो y डबल डैश, सो यहां पे y डबल डैश, उसके लिए y डैश को डिफरेंशिएट करना है, तो y डैश में क्या लिखा है, tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec square, तो tan ऑफ x का हो जाएगा sec square x, तो हम यहां पे लिख लेंगे माइनस एज इट इज tan का हो गया sec square x, तो हमने फाइनली हो गया बस इतना ही है, तो हमने फाइनली y डबल डैश फाइंड आउट कर ली। अब यहां पे y डबल डैश ऑफ 0 भी फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना, तो चलो y डबल डैश ऑफ 0 यहां निकालते हैं, y डबल डैश ऑफ 0, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस यहां पे जहां x है वहां 0 पुट करो, तो माइनस sec स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो हम यहां लिख लेंगे माइनस sec स्क्वायर 0। अब आपको पता होना चाहिए sec 0, sec 0 क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि cos 0 भी 1 होता है, देखो बताए थे cos 0 1 होता है, तो cos का इनवर्स
सेक रहता है तो सेक जीरो भी वन होता है, तो सेक स्क्योर यानी वन, तो ये माइनस वन, तो फाइनली वाई डबल डैश ऑफ जीरो इज यहां पे हम लिख लेंगे दैट इज वन। तो इस तरह से हमने y डबल डैश भी निकाली है। कुछ छोटे छोटे बीच में फार्मूले आ रहे हो वो हम यहां लिख के देते हैं, cos 0 1 होता है, sec 0 भी 1 होता है, ठीक है लिख के रखो अगर आपके पास नहीं लिखा है तो, tan 0 0 होता है, ठीक है इसका हम यहां पे यूज कर रहे हैं। और क्या आया, और यहां पे आया कि d by dx of log x ये हमेशा 1 by x होता है, ठीक है। और क्या आया यहां पे, कुछ आया क्या और कोई फार्मूला, बिल्कुल d by dx of, छोटे छोटे फार्मूले जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ठीक है ये हमेशा सेक स्क्योर एक्स होता है, ठीक है इस तरह से। तो यहां तक हम आ गए हैं, ओके वाई डबल डैश तक हम लोग पहुंच गए। चलो आगे बढ़ते हैं, वाई ट्रिपल डैश की अगर बात करें तो वाई डबल डैश को डिफ्रेंशिएट करो, ये वाई डबल डैश है हमारे पास, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इससे आपको मिल जाएगा वाई ट्रिपल डैश। तो वाई ट्रिपल डैश क्या होगा, तो एक मिनट, y ट्रिपल डैश क्या होगा, ये माइनस एज इट इज है, अब क्या लिखा है sec स्क्योर x, तो sec स्क्योर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहां पे आपको ऐसा लिखना है 2 into sec x, क्योंकि ये x टू द पावर n के फॉर्म में है ऐसा मान के चलो, क्या कहा x टू द पावर n के फॉर्म में, देखो लिख के देते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n या फिर बोलो x स्क्योर ऐसा बोलो, क्योंकि ये sec स्क्योर है ना, तो x स्क्योर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, होता है कि नहीं, एक्स स्क्योर का 2x और फिर x का होता है 1, है ना, तो यहां पे sec स्क्योर का हो जाएगा 2 into sec, लेकिन sec को आपको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो sec को अलग से डिफरेंशिएट करो, तो sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये हम यहां लिख लेंगे, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x, ठीक है। फार्मूला पता होना चाहिए, जैसा हम आपको बता रहे हैं, फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको दिक्कत जाएंगी। चलो यहां पे फार्मूला इसके लिख के देते हैं, देखो इधर लिखते हैं d by dx of sec x ये हमेशा sec x into tan x होता है, ये फार्मूला हम यहां पे यूज कर रहे हैं, sec का डिफरेंशिएशन sec into tan, ठीक है ये देखो पहले हमने sec स्क्योर का किए 2 into sec, क्योंकि x स्क्योर का 2x होता है तो sec स्क्योर का 2 sec हो गया, और sec को हम अलग से डिफरेंशिएट करें तो sec into tan, ओके। अब इसको चाहे तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एक स्टेप सॉल्व कर लो बस, तो ये y ट्रिपल डैश इक्वल टू माइनस टू सेक स्क्योर है ना, सेक इंटू सेक स्क्योर एक्स इंटू टेन एक्स, और इसको सॉल्व मत करो, तो ये हमें वाई ट्रिपल डैश मिल गया। अब वाई ट्रिपल डैश जीरो निकालो, वाई ट्रिपल डैश जीरो निकालना है तो यहां जहां जहां एक्स है वहां वहां पे जीरो पुट करो, तो चलो हम यहां पे निकालते हैं साथ में वाई ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, तो ये देखो माइनस टू इंटू सेक जीरो ऐसा हो जाएगा, माइनस टू इंटू सेक जीरो इंटू टेन जीरो, ठीक है ना, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे सेक स्क्योर है, अगर आपने सेक जीरो लिखे तो भी चलता, सेक स्क्योर जीरो लिखे तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वो वन होना है। तो फाइनली ये सेक जीरो, सेक स्क्योर जीरो यानी वन, लेकिन टेन जीरो है ना, टेन जीरो का हमें, टेन जीरो हमेशा जीरो होता है, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, वाई ट्रिपल डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ये जो टू लिखे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल, हमने इसको हटा दिए, तो फाइनली ये वाई ट्रिपल डैश ऑफ जीरो हमें मिल गया जीरो, क्योंकि देखो टेन जीरो जीरो है ना, टेन जीरो जीरो है तो यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई करो पूरा जीरो, तो कितने बार डिफरेंशिएशन हो गया अभी तक, तीन बार डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना, वाई डैश मिला, वाई डैश, वाई डबल डैश मिला, वाई ट्रिपल डैश मिला, अब वाई फोर टाइम डैश वो भी करना है हमें, क्योंकि हमने आपको कहा था कि हमें यहाँ पे चार बार यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि एक्स टू द पावर फोर वाला टर्म हमें सीरीज से निकालना है, ठीक है तो चलो अब ये वाई ट्रिपल डैश को डिफरेंशिएट करो, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि अब हमें यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप इसको y1, y2, y3, y4 अगर लेके होते ना तो ज्यादा अच्छा रहता, ये y डबल डैश ट्रिपल डैश फोर टाइम डैश फाइव टाइम डैश इतने बार डैश देना अच्छा नहीं है ना, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, उसे y1, 2, 3, 4 लिखना अच्छा रहता ना। चलो अब स्टार्ट किए हैं तो कर लेते हैं, डैश लेके ही सॉल्व करेंगे, एक आखिरी बार निकालना है y4 टाइम डैश, चलो y4 टाइम डैश निकालते हैं, तो एग्जाम में ध्यान में रखना है, अगर आप ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करें ना तो वाई डबल डैश ट्रिपल डैश फोर टाइम डैश इतने सारे डैश मत लिखना, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव ऐसा लिखना, कन्वीनियंट रहता है वो सॉल्व करने में। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस टू, अब यहां पे आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, 100% प्रोडक्ट रूल यूज होगा, क्योंकि यहां पे एक्स इंटू, देखो ये दोनों टर्म में एक्स है ना, तो यहां पे डिफरेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो यहां पे डिफरेंशिएट करो, तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल आपको पता होगा ही, तो देखो
फर्स्ट टर्म है सेक्स क्यूर एक्स, तो फर्स्ट टर्म हम ये लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म यानी टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा सेक्स क्यूर एक्स, ठीक है ओके, प्लस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म यानी टेन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी सेक्स क्यूर का डिफरेंशिएशन, तो सेक्स क्यूर का डिफरेंशिएशन होगा टू इंटू सेक एक्स, और फिर सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखो ये काफी लंबा, ये एक ब्रैकेट, काफी सारे ब्रैकेट्स यहां पे आ गए, एक मिनट, जो आखिरी वाला ब्रैकेट है ना इसको स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, कौन सा टर्म फर्स्ट है सेकंड है वो समझ लो। देखो ये फर्स्ट टर्म है ना, और ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, ये ठीक है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, उसके बाद ये सेकंड टर्म, देखो ये सेकंड टर्म, और ये है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये वाला डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, सेक्स क्योर एक्स ना, तो सेक्स क्योर का हो गया टू इंटू सेक, और सेक का हो गया सेक इंटू टेन, एक मिनट टेन लिखे, टेन एक्स नहीं लिखे, तो टेन एक्स भी लिखना है गलती से, एक्सट्रीमली सॉरी, तो यहां पे हम एक्स लिखते हैं। ये ब्रैकेट ऐसा पूरा करो, इतने सारे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इसका, ये ब्रैकेट इसका, और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहां तक। तो ये हमने y फोर टाइम डैश निकाले, इसको आगे रिड्यूस मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आगे हमें और ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसको यहीं पे आप स्टॉप करो। आप यहां पे डायरेक्टली x के जगह जीरो पुट करो, ठीक है, चलो यहां पे डायरेक्टली x के जगह जीरो पुट करते हैं। आप चाहे तो सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे sec into sec sec square हो जाएगा, या sec square जो है वो sec to the power 4x हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, आगे डिफरेंशिएट करना भी नहीं है, आगे इसको रिड्यूस करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसका यूज नहीं है, यूज है इसका y डैश ऑफ जीरो, y डबल डैश ऑफ जीरो, y ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, इसका यूज है, ठीक है ना, इसका यूज नहीं है, इसका बस एक ही यूज है यहाँ पे, कि यहाँ पे x का वैल्यू जीरो पुट करना है। जो मैक्लॉरिन सीरीज है उसमें इसका यूज नहीं है, इसका यूज है, तो अपने को ये इंपॉर्टेंट है। चलो y ट्रिपल डैश, सॉरी y ट्रिपल डैश नहीं, y फोर टाइम डैश, चलो y वन टू थ्री फोर, y फोर टाइम डैश जीरो, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे जीरो पुट करो, तो ये माइनस टू, तो यहां पे आएगा sec square जीरो, लिखने के बजाय ओनली sec जीरो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, sec जीरो इंटू अगेन sec जीरो, ठीक है ना, प्लस ये tan जीरो, तो ये पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा, टू इंटू sec जीरो इंटू अगेन sec जीरो इंटू tan जीरो। अब यहां पे क्या टर्म जीरो हो रहा है ये समझ में आ गया होगा आपको, देखो tan जीरो जीरो होता है, तो ये पूरा ही इधर का पूरा जीरो हो गया, ये सब जीरो हो गया, और यहाँ पे सिर्फ sec जीरो जो है वो वन होता है, तो ये वन और ये माइनस टू, यानी आपको y फोर टाइम डैश जीरो यहाँ पे मिल रहा है माइनस टू, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख ले y फोर टाइम डैश जीरो इक्वल टू माइनस टू, तो ये हमने फाइनली y फोर टाइम डैश जीरो निकाल लिए, जो कि आया माइनस टू। तो जहां तक हमने मैक्लॉरिन सीरीज में पुट करने के लिए पूरा डाटा निकाल लिया है, जो हमने कहा था कि डाटा आपको सब निकालना पड़ेगा, तो हमने छोटा कर लेते थोड़ा सा इसको, ताकि ये आपको एक सिंगल स्क्रीन पे दिख जाए, देखो ये, तो चलो अब ये डाटा एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, देखो ये है y ऑफ जीरो, ये है y डैश ऑफ जीरो, ये है y डबल डैश ऑफ जीरो, ये है y ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, और लास्ट में ये है y फोर टाइम डैश ऑफ जीरो। अब ये उठा के मैक्लॉरिन सीरीज में पुट करो, मैक्लॉरिन सीरीज तो अभी तक हमने नहीं लिखी, चलो अब लिखते हैं, सो नाउ यूज द मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि यहीं पे हमें सॉल्व करना है, तो देयरफॉर बाय मैक्लॉरिन सीरीज, तो ये देखिए हमने पूरी मैक्लॉरिन सीरीज लिखी है, ये वही सीरीज है जो हमने यहाँ बताए थे, ठीक है, यहाँ हमने एक्स क्यूब तक बताए थे, उसमें हमने एक और टर्म ऐड किए, तो यहाँ देखो एक्स टू द पावर फोर तक हमने एक्सटेंड किए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि एक्स टू द पावर फोर की टर्म उसमें आना चाहिए, देखो क्वेश्चन कहाँ गया, देखो क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन में लिखा था कि एक्सपांड करो इसको इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म एक्स टू द पावर फोर, एक्स टू द पावर फोर के टर्म्स तक इसको एक्सटेंड करना है, ये जरूरी है, आप चाहे तो उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बस आपको एक्स टू द पावर फोर तक ही करना है, तो इसीलिए हमने ये सीरीज जो है ये इतनी लंबी लिखी, बस अब इसके अंदर वैल्यूज पुटअप करो, तो अगर आप वैल्यूज पुटअप करने को जाएंगे तो काफी सारी टर्म जीरो है यहाँ पे, काफी सारी टर्म्स, देखो इसके पहले हमने निकाले थे वाई ऑफ जीरो, देखो कहाँ है, ये देखो वाई ऑफ जीरो जीरो है, y डैश ऑफ जीरो वो भी जीरो है, सिर्फ y डबल डैश ऑफ जीरो एंड y फोर टाइम डैश ऑफ जीरो, बस ये वैल्यूज अवेलेबल है, बाकी सब जीरो है ना, ये y डबल डैश और y फोर टाइम डैश अवेलेबल है, y डबल डैश माइनस वन है और ये माइनस टू है, बस यही एक है, तो कहाँ कहाँ पे जीरो पुट करना है तय करो, तो ये पहला y ऑफ, यहाँ पे y ऑफ जीरो जीरो है, ये y डैश ऑफ जीरो भी जीरो है,
ठीक है, वाई ट्रिपल डैश ऑफ जीरो ये भी जीरो है, ठीक है, वाई डबल डैश ऑफ जीरो बस आपको यहां पे माइनस वन पुट करना है एंड वाई फोर टाइम डैश जीरो में आपको माइनस टू पुट करना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो रखते हैं, बाकी पूरा सीरीज जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जहां y है वहां y की जगह यहां पे लिख सकते हैं log ऑफ cos x, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिए थे, लेट ये देखो स्टार्टिंग में हमने लिए थे, यहां पे कहां गया ये देखो, ये स्टार्टिंग में हमने लिखे थे लेट y इज इक्वल टू log ऑफ cos, तो हमने वही वहां पे लिखा है, ठीक है, ओके। ये देखो y इज इक्वल टू log ऑफ cos x, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में ये टर्म जीरो तो लिखो जीरो, ये टर्म जीरो तो ये भी जीरो, ठीक है। उसके बाद ये टर्म जो है ये है यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल इनटू ये माइनस वन, ठीक है, और ये टर्म भी जीरो प्लस, उसके बाद ये टर्म प्लस एक्स टू द पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल इनटू माइनस टू, ठीक है ना। प्लस आप चाहे तो आगे एक्सटेंड करो, लेकिन नहीं एक्सटेंड किए तो वो प्लस प्लस ऐसे डॉट डॉट शो करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने यहां तक लिखे ना तो भी चलता है, लेकिन जो कि ये सीरीज है ना इसलिए वो लिखना पड़ता है, ठीक है। बस ये जीरो वाले टर्म हटा दो, टू फैक्टोरियल यानी टू होता है, फोर फैक्टोरियल क्या है उसका वैल्यू लिख लो, ये माइनस वगैरह बाहर ले लो और देखो ये क्या मिलता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे लॉग ऑफ कॉस एक्स और आगे ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल यानी टू, ठीक है, ओके। उसके बाद ये माइनस यहां बाहर ले लो टू एक्स टू द पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल यानी ट्वेंटी फोर, ठीक है ना, फोर फैक्टोरियल यानी वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर वो ट्वेंटी फोर, ठीक है ना। एक स्टेप और इसको एक्सटेंड करो, एक स्टेप ये हो सकता है, हम क्या करेंगे यहाँ पे ये टू और टू टू जा टू ट्वेल्व जा ट्वेंटी फोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे लॉग ऑफ कॉस एक्स और ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स टू द पावर फोर बाय ट्वेल्व, तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिए और इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, आगे ये और सॉल्व नहीं होगा, ये यही पे यहाँ पे स्टॉप करो। तो ये हमें एक सीरीज मिल गई जो क्वेश्चन में सीरीज तैयार करने के लिए कहा था। क्वेश्चन में देखो क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि एक्सपांड लॉग ऑफ कॉस एक्स इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म एक्स टू द पावर फोर, तो हमने फाइनली एक्स टू द पावर फोर तक की टर्म्स को यहाँ पे लिया है, इंक्लूड किया है और ये हमें सीरीज मिल गई है। ये हमें अब यही पे स्टॉप करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे डॉट डॉट लिख सकते थे, हमने लिखे नहीं, प्लस ऐसे डॉट 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 आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी। क्यों? क्योंकि अब हमें यहाँ पे कुछ और भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, चलो अब वो देखते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम की आपको एग्जाम में तैयारी करना चाहिए, हाँ इसको एग्जाम में सॉल्व करते आना ही चाहिए। क्या फाइंड आउट करना है आगे देखो, आगे का इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे लिखा है, देखो आगे यहां लिखा है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मतलब कोई ना कोई वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग टू द बेस 10 कॉस ऑफ पाई बाय 12, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है अप टू थ्री प्लेसेस, मतलब इसका आंसर जाहिर सी बात है पॉइंट में आने वाला है, इसका मतलब ये है, और पॉइंट के बाद थ्री डिजिट तक आपको लिखना है, ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, लॉग टू द बेस 10 कॉस ऑफ पाई बाय 12, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास लॉग ऑफ कॉस एक्स का फार्मूला है यानी सीरीज है, लॉग ऑफ कॉस एक्स है, बस एक्स की जगह हमें पाई बाय 12 रखना है, एक्स की जगह पाई बाय 12, और आपको आगे का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर में करना पड़ेगा। तो चलो एक्स की जगह आपको बस पाई बाय 12 पुट करना है, तो यहां पे ये जो सीरीज हमारे पास बन के तैयार है, ठीक है ना, हम बस इसी में पुट करेंगे, एक मिनट इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे बस एक्स के जगह क्या पुट करना है, पाई बाय 12 पुट करना है, तो हम यहां लिख लेंगे पाई बाय 12 पुट करो एक्स के जगह यहां पे, तो क्या मिलेगा, इससे क्या होगा देखो प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ यहां, सिर्फ एक्स की जगह लॉग ऑफ एक्स के जगह पाई बाय 12 पुट करने से नहीं होगा, आगे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, वो क्या है बताएंगे आपको, जरा समझ लो इसको, नहीं तो आप कहोगे ये तो आसान है कैलकुलेटर में एक झटके में सॉल्व हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अब यहां पे रॉन्ग भी हो सकता है। देखो क्या करना है आपको, लॉग ऑफ कॉस यहां पे अब पाई बाय 12 रखना है, लॉग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में देखते हैं कॉस ऑफ पाई बाय 12 ये, ठीक है, एक्स के जगह आ रहा है तो यहां पे भी पाई बाय 12 रखो, माइनस ये पाई बाय 12 का स्क्वायर बाय 2 है ना, माइनस पाई बाय 12 टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय 12 प्लस सो ऑन, देखो ऐसा है।
हमने बस x के जगह पाई बाय 12 रखी, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये थोड़ा सा सॉल्व करो, बाद में इसको कैलकुलेटर में पुट करो, तो ये माइनस, अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा पाई स्क्योर बाय 12 का स्क्योर यानी 144, है ना, तो वो नीचे आएगा 144 इंटू 2, ऐसा कर लो, क्योंकि वो 12 का स्क्योर हो जाएगा और वो स्क्योर हो कि उसको हमने नीचे ले लिए, ठीक है, यहाँ पे पाई टू द पावर 4 हो जाएगा और 12 टू द पावर 4 इंटू 12 प्लस, अब ये प्लस वाला टर्म नहीं लिखे तो चलता है, ठीक है, ऐसा ओके, और अब बस ये काम करते हैं, ये पूरा कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है, कैलकुलेटर में एज इट इज पुट कर लेंगे, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड वही है, तो देखो कैलकुलेटर में पुट करने के बाद हमने पुट कर लिया है और इसका आंसर आ रहा है -0.03466, ये आया है, हो सकता है आपका लास्ट में पॉइंट में एक दो पॉइंट्स ऊपर नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब आप ऐसे कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कर रहे हैं ना, तो क्या क्या होता है कि कैलकुलेटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, देखो जब आप कैलसी का यूज कर रहे हैं तो कैलसी में यहाँ नीचे में पाई का सिंबल अवेलेबल है, तो आप ये डायरेक्टली पाई का सिंबल यूज करो, क्योंकि यहाँ पे पाई स्क्योर है, पाई टू द पावर 4 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, पाई का वैल्यू यूज करते हैं, पाई का वैल्यू यूज मत करो, पाई का सिंबल यूज करो, अगर आप वैल्यू यूज करके सॉल्व करोगे ना, तो 100% जो आपका आंसर है वो दो चार पॉइंट जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो पाई का सिंबल हमें कैलसी दिया है, तो कैलसी में सिंबल है, तो हम सिंबल का यूज करेंगे, तो सिंबल का यूज करने से क्या होता है कि पॉइंट के बाद के सभी पॉइंट्स आते हैं, नहीं तो अगर आप पाई का वैल्यू यूज कर रहे हैं 3.14 तो सिर्फ दो तीन पॉइंट्स ही आप लेते हैं ना, तो उससे एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखो, तो पाई का सिंबल यूज करो, तो फाइनली ये हमने लॉग ऑफ कॉस पाई बाय 12 फाइंड आउट किया, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, हमने कहा था ना कि इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आने वाला है, वो क्या है, जरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है और हमने क्या फाइंड आउट किया है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इज कैलकुलेट लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 10 है, लॉग का बेस 10 है, जबकि हमने अभी लॉग का बेस नहीं लिया है, लॉग का बेस वहां पे जो है वो ई था, यहां पे लॉग टू द बेस 10 है, नहीं हमने जो फाइंड आउट किए हैं वो लॉग टू द बेस 10 नहीं है, देखो ये लॉग टू द बेस 10 कहां फाइंड आउट किया हमने, नहीं लॉग टू द बेस 10 का वैल्यू फाइंड आउट नहीं किए, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा अलग से, लॉग टू द बेस 10 कॉस पाई बाय 12 का वैल्यू अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला, देखो हम एक फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं और हम इधर साइड में सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो फार्मूला सबसे पहले बता देते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो, देखो फार्मूला ऐसा है, दैट इज लॉग टू द बेस 10 और यहाँ पे, या फिर लॉग टू द बेस, चलो 10 ही ले लेते हैं, लॉग टू द बेस 10 ए इज इक्वल टू, ये होता है log to the base e of a by log to the base e of 10, देखो ये फार्मूला का हम यहां पे यूज करने वाले हैं, ये फार्मूला यहां पे यूज करेंगे तब जाके हमें log to the base 10 of cos का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो, अगर आपने ये चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया, अगर आपने इतना सॉल्व करके छोड़ दिए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स चाहिए तो यहां तक आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख के रखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, ठीक है ना, तो इसके तरफ ध्यान देना, एग्जाम में गलती नहीं करना, प्रिपरेशन करते समय ये फार्मूला जो है याद करके जाना, ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है, वैसे ये जो फार्मूला है, या आप लॉग जो आपने इसके पहले अगर कोई यूनिट पढ़े होंगे 12th में वगैरह, या इसके पहले इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में, तो वहां पे इस तरह के फार्मूले हुए हैं, लॉग टू द बेस ए बी ऐसा हुआ है, हमने डायरेक्टली लॉग टू द बेस 10 यहां पे बताया है, ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, फार्मूलेज अनगिनत है, आपको फार्मूलेज पता होना चाहिए और सही जगह सही फार्मूला याद आना चाहिए और यूज करना चाहिए, सो हम यहां पे लिख लेंगे, नाउ ये फार्मूले के अकॉर्डिंग लॉग टू द बेस 10 कॉस ऑफ पाई बाय 12 जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, देखो लॉग टू द बेस 10, ठीक है ना, ए की जगह हमने लिखे कॉस पाई बाय 12, तो अब फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग आएगा लॉग टू द बेस ई एंड ए, ए यानी कॉस ऑफ पाई बाय 12, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आएगा लॉग टू द बेस ई ऑफ 10, ठीक है, इसको ब्रैकेट में देंगे तो भी चलता है, तो ये जो लॉग टू द बेस ई है, ये जो हमने इसके पहले निकाले ना, ये लॉग ऑफ कॉस, यही है
लॉक टू द बेस ई, ये इनडायरेक्टली अभी हमने कहा था थोड़ी देर पहले, ये इनडायरेक्टली लॉक टू द बेस ई का आंसर है, ये जो आंसर है ना, बस ये उठा के वहां न्यूमरेटर में पुट करो। तो हम ये लिख लेंगे न्यूमरेटर में -0.03466 और डिनोमिनेटर में यहां पे लॉक टू द बेस ई 10, तो कैलकुलेटर में आप पुट अप करो लॉक टू द बेस 10 सॉरी लॉक टू द बेस ई इनटू 10, तो ये आंसर आएगा 2.3025। तो इसके लिए कैलकुलेटर में लॉग, ये जो बटन है ना जिसके ऊपर लॉग लिखा है उसका यूज मत करना, लॉग के साइड में एक और है बटन, वहां पे लिखा है LN, उसका यूज करना है ना, ये जो हमारे पास कैलसी है ना इसमें ऐसा है LN बटन के ऊपर है लिखा LN, एक और है बटन उसके ऊपर लिखा है लॉग और नीचे एक डब्बा है ऐसे बॉक्स और इधर साइड में एक और बॉक्स है, हमने ये बटन का यूज नहीं किया, ठीक है, ध्यान में रखो किसका यूज करना किसका यूज नहीं करना, इसका यूज मत करो, इसका यूज करो तो ये आंसर आएगा LN ऑफ 10, ऐसा लिखो LN यानी इनडायरेक्टली लॉक टू द बेस ई होता है, लॉक टू द बेस ई ऑफ 10 ये आंसर आएगा, इसका यूज मत करना, ठीक है। देखो कैलसी जो हमारे पास है FX991EX में है, ये कैलसी का नंबर है FX991EX, हो सकता है आपके कैलसी में आपका कैलसी अलग नंबर का हो तो हो सकता है उसमें बटन्स कुछ अलग हो या कुछ ऑपरेट जो है वो अलग तरह से करना हो, तो एक बार चेक कर लेना कैलसी में क्या दिया है, ज़रूरी नहीं कि हमारे कैलसी में जो तरह से दिया है आपके कैलसी के, क्योंकि मॉडल नंबर जो है वो अलग अलग होता है और हो सकता है फंक्शन अलग अलग हो, तो कैलसी के साथ जो बुकलेट आई है ना उसमें लिखा हुआ होगा फंक्शन उसके बारे में दिया होगा, तो वो एक बार चेक कर लेना ज़रूर, ठीक है, ओके। तो ये बस इसको डिवाइड कर लो, तो ये 0.03466 डिवाइडेड बाय 2.3025, तो ये आया है माइनस में, ऑब्वियसली माइनस में ही आएगा, ठीक है, तो ये आया है -0.01505, तो ये हमने यहां तक सॉल्व किया है, और इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, और क्या एक्सटेंड करेंगे, आंसर ही तो आ गया, हमें लॉग टू द बेस 10 कॉस पाई बाय 12 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये हमें आंसर मिल गया, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन एक बार बताए थे, काफी ये लंबा प्रॉब्लम हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट भी है ना, नंबर ऑफ टाइम अभी तक एग्जाम में आ चुका है। देखो लॉग टू द बेस 10 कॉस पाई बाय 12 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था अप टू 3 प्लेसेस, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये देखो काफी ये लंबा सॉल्यूशन आपके सामने, और ये आंसर आया है, देखो ये आंसर आया -0.01505, ये आंसर है, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिए, कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा प्रॉब्लम पूरा सॉल्यूशन हर एक स्टेप सब कुछ आपको समझ में आया होगा, ऐसे प्रॉब्लम के आपको घर में प्रैक्टिस करके देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में जब आते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से सॉल्व कर नहीं पाते, वो सॉल्व करते आना ही चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो ये था टेलर सीरीज एंड मैकलोरन सीरीज, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10, इसके पहले के 9 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।